आइए मिलते हैं मंडी के कुछ लोकल सेलर से जो कि सीजनल वेजिटेबल्स बेचते हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं रूरल इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने में एज वेल एज टू अपलिफ्ट द न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ अर्बन कम्युनिटी। सकते हैं कि इनके पास बहुत सारी सीजनल वेजिटेबल्स हैं। इस टाइम इनके पास है लसुंदा जिसको हम कॉर्डिया अम्लिका बोलते हैं बॉटनिकली, दूसरा है इनके पास लिंगड़, उसके अलावा इनके पास है पॉर्टुलेका जिसको लोकल लैंग्वेज में न्यार या फिर पुलिफा बोलते हैं, उसके अलावा इनके पास है चौलाई, हम देख सकते हैं चौलाई की दो स्पीशीज इनके पास है अभी ट्राई कलर, और उसके अलावा इनके पास बथुआ भी है जिसको कि हम चिनोकोडियम कहते हैं, इसके अलावा हम देख सकते हैं कि इनके पास है पुदीना और इनके पास है स्पाइरस पाइरीफोलिया जिसको हम नाशपति बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि इनके पास है येल्लो के बीच जिसको कि हम बॉटनिकली सेना दोरा बोलते हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है आई साइट को एनहांस करने में। तो हम देख सकते हैं कि इनके पास लोकल हल्दी भी है और ये अलग अलग तरह की वेजिटेबल्स इन्होंने जो रखी हैं जो वाइल्ड हैबिटेट से कलेक्ट की हैं। ये जो सारी वेजिटेबल्स हैं ये केमिकल से फ्री हैं इसलिए ये हमारी हेल्थ को अपलिफ्ट करने में बहुत इम्पोर्टेंट होती है। आप बताएँ कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम है रमा देवी। रमा देवी जी, और आपका? मीना देवी। अच्छा, तो आप ये चीज़ें खुद कलेक्ट करते हैं या किसी और से लेते हैं? और से लेते हैं हम। औरों से लेते हैं, ठीक है, वो कलेक्ट करके आपको देते हैं। अच्छा, तो सारी चीज़ें औरों से ही लेते हैं कि कुछ खुद भी कलेक्ट करते हैं? अच्छा, हमारे ज़मीन की क्या क्या आपके वजह से हमारे ज़मीन का कुल्फा ये धान के खेत में होता है और ये चुनौती भी हमारे खेत की और ये बथुआ भी हमारे खेत का और नाशपति भी हमारे खेत की हल्दी भी हमारे खेत की और येलो भी हमारे खेत की। अच्छा, कि ये आपने बीजी है? वैसे तो ये जंगली होती है ना, अपने कब से बीजना शुरू किया? आज का रिजना है। नहीं मतलब पहले तो ये जंगली है, चार साल से। चार साल से तो खुद ही आपने सोचा कि किसी ने गाइड किया आपको? तो थोड़ी सी लाई ना, कहीं हम 200 रुपये किलो बेच रहे हैं उसको। 200 रुपये किलो, तो कितनी कर लगा देते हैं आप अपने खेत में? तो ये क्विंटल के हिसाब से हुई। क्विंटल आप भी लगाते हो? ये लोग लगाते हैं। अच्छा, और उसके अलावा जो चीज़ें नहीं होती वो आप औरों से लेते हैं? लसूड़ा जैसे? हाँ जी। तो औरों से कितने रुपए किलो लिया आपने? ये लिए 25 रुपए किलो। अच्छा जी, 25 रुपए। और अभी कितने का? 50 रुपए किलो बेच रहे हैं। ठीक है, 50 या 60, आई थिंक कल तो 60 रुपए का बेच रहा था ना। ठीक है, तो ये रेट चेंज हो जाते हैं रोज की? कैसे हो जाते हैं? अच्छा जी, जो पीछे से हमको सस्ता मिल गया तो हम वहाँ भी सस्ता देते हैं, पीछे महंगा मिले तो यहाँ थोड़ा महंगा देते हैं। मतलब जो लेडीज जो हैं वो कुछ लेडीज ऐसी होती हैं ना वो निकाल तो सकती हैं पर बेच नहीं सकती, तो मतलब वो आपके पास बेच सकती हैं? चलो तो उनके लिए भी अच्छा है। किस किस एरिया से आती हैं आपकी चीज़ें? ये आई है रॉयल सोसाइटी रिवाल सर। हाँ जी, हम आए हमारे टांडू से। हाँ जी, और गुल्फा भी हमारे टांडू से, ए पी हमारे टांडू से, हल्दी भी हमारे टांडू की और येलो भी हमारे टांडू की। आपके घर कहाँ है? टांडू में मेरे घर। अच्छा ठीक है, तो वहाँ की लेडीज आप कलेक्ट करते हैं? ठीक है, ये चीज़ें जो आप बेचते हैं तो ये पूरी साल अलग अलग चीज़ें बेचते हैं कि? हाँ जी, जैसे क्या क्या चीज़ें बेचते हैं नॉर्मली? आजकल ये चला हुआ। हाँ जी, उसके बाद हमारा आंवला होगा, अमरूद हो गए, ये भी होती है, किराले होते हैं, कचनार जैसे होते हैं, मौसम के हिसाब से बेचते हैं। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं आपको, आप भी बता सकते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? कुछ नहीं आने, अपने कमाई लिया 4 पैसा, बच्चे 300 रुपये बच्चों में दिन का खर्च होता है। तो कब सेव कर रहे हैं आप ये सब? 2015 से। 15 से, उससे पहले क्या करते थे? उसके पहले घर में होते थे, पता था पहले ना, बिल पापड़ी बेचते हैं, पड़े साथ में फूल बेचते हैं, वो फूल रहते हैं हम अपने खेत में। अच्छा ठीक है, तो फिर ऐसा कैसे आपको ख्याल आया कि ये चीज़ें हम बेचें? थोड़ा थोड़ा करके लाए और फिर थोड़ा जोड़े तो फिर और लाते रहे। तो किसी ने सपोर्ट किया आपको इस चीज़ों में? हेल्प की किसी ने? इस लास्ट पड़ोसी ने बोला कि ऐसा जाओ ऐसा जाओ। अच्छा, तो करके हम। तो आप भी इनके साथ, आप कब से आते हैं? 2015 से आते हैं दोनों। आपके घर का है? कोटली में। अच्छा, आपके कोटली में, तो अच्छा है ना, ये अलग जगह से लाते हैं चीज़ें, अलग जगह से जो मेरे पास नहीं होती हो तो हम उसको बता देते हैं कि आप मंगाओ, जो उनके पास नहीं होती हो हमारे से मंगाओ कि आप लाओ।
तो घर वाले करते हैं आपको सपोर्ट इस सब चीजों में? अपना अपना करते हैं। नहीं, मैं बोल रही हूँ जैसे घर वाले आपके पता देते कि फलानी जगह में ससमान है, फलानी जगह में ससमान है, वो हेल्प भी करते हैं? हाँ, करते हैं। और ये जो चीजें बच जाती हैं तो अपने यहाँ रखते हैं और दूसरे दिन तो सेफ रहती हैं? दो दिन बेचना हमने तो दिन के ठीक है। अगर बच जाए तो फिर उसका क्या करते हैं? नहीं तो जो बच जाए उसको आप सुखा के लिंगड सूख जाएगा ना अगर, पर ऐसा है इसके लिए कुछ मशीनें चाहिए होती हैं। नहीं सुखाते भी अब इसको, नई नई टेक्निक चली है ना, तो चलो कोई नहीं, आपको धीरे धीरे बताएंगे उनके बारे में भी। और कोई प्रॉब्लम आपको उनसे रिलेटेड तो मैं ये आपके लिए दो किताबें लाई हूँ, इसमें आपको और भी बहुत सारे जो वेजिटेबल्स हैं उसके बारे में पता चलेगा। तो इसमें पूरी फोटोज लगी हैं, जैसे अब आप देखो ये इधर एक गल आप घर में भी लगा सकते हैं, ला भी सकते हैं, है ना। उसके अलावा आप देवरी सुना होगा आपने, तो इसमें ऐसा खुद लगाई थी कि जंगल से ली? जंगल से लाए थे। अच्छा। जंगल से लाए तो इसमें ये डेबरे बेचे आपने कभी? तो इसमें और भी जैसे एक भृंगराज सुना आपने, ये भी खेतों में होता है, तो ये भी बिकता है, ये बहुत अच्छा होता है, ब्रह्मी बिकती है देखो। ब्रह्मी वो भी आप यहाँ रख सकते हैं, आजकल लगी होगी ब्रह्मी, है ना? ब्रह्मी आजकल लगी हुई है। हाँ जी, तो वो बेच सकते हैं आप। इसके अलावा और ये देखो तो भृंगराज को आप मिक्स कर सकते हैं ना तीन चार, जैसे ये किए देखो, ये पता है आपको ये पीक पापड़ा होता है, पीक पापड़ा ये पेट साफ करता है, तो ये भी आप और सागों के साथ मिक्स कर सकते हैं, है ना। तो इस बुक में आपको बहुत सारे ऐसे प्लांट्स मिलेंगे। काठी के फूल बेचे आपने? काठी के फूल मैंने बेचे आपने, बेचे तो ये भी बेच सकते हैं आप। तो इसमें आपको ना हर तरह के सारे प्लांट्स मिलेंगे जिनको हम बेच सकते हैं, तो ये है दोनों किताबें। तो ये और लेडीज भी वहाँ बैठी हैं, तो मैं इनसे भी बात करती हूँ, आपने इनको भी दिखानी है। ठीक है, काठी के फूल होते हैं वो होते कराड़े के टाइम, कचनार के टाइम, आजकल एक जमीन में ऐसा इतना बड़ा फूल निकलता है, वो भी अच्छा होता है, ऐसा प्लांट है जो हर बीमारी के लिए यूजफुल होता है, तो इसके बीज इसके पत्ते भी आप ले सकते हैं, है ना। तो इसमें बहुत सारे प्लांट्स हैं, इनके लिए कुछ जानकारी चाहिए होगी तो मैं आपको तो ये देखो ना, इसमें तो फोटो है इस बुक में ना, इसमें ना लिखी हुई है क्या यूज है इनके, तो ये आप इनसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं आपको अपना फोन नंबर दे दूंगी, तो आप लिखो बिल। हाँ, ये जो बिल है इनको भी बेच सकते हो आप, गांव में मैंने देखा ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं बिल। हाँ, तो वो लाके, हाँ हाँ नहीं बिल 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 तो ये खाने के लिए, वो आप पूजा के लिए बेचते हो ना, बड़े होते ना उसको खाते हैं। हाँ जी, चलो वो भी खा सकते हैं ना, मैंने देखा गांव में ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं। तो वो भी आप कुछ और लेडीज भी है देखो वहाँ पे वो काम करती है ना, अंटा चलाई है, इसके बीज भी बहुत है, इसके बीज है, ये बीज भी डलते हैं, इसका आप जैसे ये बना सकते हो रेडू टाइप जो झोल बोलते हैं गांव में, उसमें डाल सकते हो हेल्थ के लिए। हाँ, इसमें सारी रेसिपीज भी है और सब कुछ है, और मैं स्पेशली से लाई हूँ कि आप और अच्छी अच्छी चीज़ें लाओ और लोगों को बेचो और अपनी इनकम भी बढ़ाओ। हम लोग तो बांस का चार भी डालते हैं। डालते हैं आप, बहुत अच्छी बात है। तो आप बांस के वो भी पेड़ रख सकते हो बेचने के लिए? हाँ, बेचने के लिए रखना है ना। और दूसरी बात ये है ना, जो आप लाते हैं कुछ प्लांट्स लगाने भी हैं आपको, सिर्फ लेने ही हैं। हाँ जी, आपका नाम क्या है? कीमती जी, आपके घर का है? टांगू। आपका? सुजाना में। नाम क्या आपका? बबली। और आपका? मीरा देवी। कहाँ आपके घर? बाली चौकी में। तो आपके घर सबसे दूर है, तो आप वहाँ से, आप तो यहाँ रहते हो तो वहाँ से चीज़ें लाते हो आप एक चीज़? अच्छा, तो क्या क्या चीज़ें आपके पास बताओ? फाफड़ा। अच्छा, कौन? तो ये फाफड़ा आपने खुद लगाया है? ये वैसे तो यहाँ नहीं होता ना फाफड़ा, टांडो में भी लग जाता है ये, ये तो ऊपर नहीं होता हाइट में, लग गया इधर, मैं अपने घर रहे हैं। अच्छा, और ये चौलाई? चौलाई भी अपने घर रही। अच्छा, और ये अपने आड़ू है, ये भी आपके अपने लगे हैं? ये जंगली है वैसे ये वाले, है ना, मतलब ऐसे जंगल से इनकी वैरायटी थोड़ी और है ना, वो जो दूसरे लगाए होते हैं वो कुछ और होते हैं।
तो आप कहाँ से, जंगल से लेके आए इसको कि घर खेत तो घर के पास है? अच्छा, इसमें कोई प्रॉब्लम आती है ये सब करने में? नहीं नहीं आती। सुबह कितने बजे आ जाते हैं आप? 9 बजे। फिर जाते कितने बजे? 9-10 बजे। घर वाले सपोर्ट करते हैं आपको? साथ में जाते हैं। अच्छा, वो भी आए होते हैं साथ में? चलो अच्छी बात है। काफल बेचे काफल भी बेचे अच्छा, मतलब सारे पूरे सीजन जंगल, में जंगल के साथ में गए, साथ में आए। जामुन जामुन लगेंगे अभी तो, जामुन बेचोगे आप? चलो बहुत अच्छी बात है, आप लोग तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, है ना? लोगों की हेल्थ भी आप ठीक रख रहे हैं और अपनी घर की इनकम भी बढ़ा रहे हैं। ये देखो बिना खाद वाली है ना, हाँ। नहीं तो फिर आते हैं काफी लोग आपके पास, ये बिक जाता है सब कुछ? चलो, तो ये जो मैं किताबें लाई हूँ ना, ये आपने देखनी पढ़ना है इनको, हिंदी पढ़ लेते हो ना आप लोग? तो ये हिंदी में है और ये देखने के लिए इंग्लिश में, वैसे पर फोटोग्राफ है ना, तो आप सब मिलके पढ़ना इसको। आप इसको देख के भी कुछ चीजें ला सकते हैं, कुछ चीजें लिखी हैं, और ये भी लिखा है कि इसके क्या यूज है। जैसे आपने ये रखा हो फाफड़ा, फाफड़ा में क्या होता है, इसको खाने से क्या होता है, ये भी लिखा है इसमें। तो ये फिर आपकी मार्केटिंग और होगी, है ना? चलो आओ तो मिलके एक फोटो ले लेते हैं हम सारे।